हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड फर्स्ट यूनिट का टॉपिक होगा ये एटिकेट ऑफ नर्सेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो है कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है एंड आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी एटिकेट ऑफ नर्सेस पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट्स में इसके आंसर्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोफेशनल एटिकेट ऑफ नर्सेस। एटिकेट्स क्या होता है, जिसे हम हिंदी में शिष्टाचार भी बोलते हैं एंड इसे हम क्या बोल सकते हैं, रूल ऑफ पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर। यानी कि एटिकेट्स क्या है, रूल है, कुछ एक रूल है जिनको पोलाइटली और एक सही तरीके से बिहेव करना। यानी कि नर्सेस के लिए कुछ एक रूल तय किए गए हैं जिनको वो बहुत ही पोलाइटली और सही तरीके से ताकि वो बिहेव कर सके। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम इसमें। एटिकेट इज़ अ कोड ऑफ गुड मैनर दैट अ नर्स शुड फॉलो। एटिकेट क्या है, एक तरह के गुड मैनर्स हैं, नर्सेज के गुड मैनर्स हैं जिनको नर्सेज ने फॉलो करना होता है। द नर्सेज इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम दैट मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन एंड हार्मनी फॉर द केयर ऑफ द सिक। नर्स क्या है, हेल्थ केयर टीम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है, जो कि वर्क करता है कोऑपरेशन होकर वर्क करता है, हार्मनी के साथ वर्क करता है। किन के लिए वर्क करता है, जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी उनको केयर करनी होती है, बीमार लोगों का ध्यान रखना होता है। फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग एंड अ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यू एज अ नर्स शुड फॉलो द सर्टेन इसेंशियल गुड मैनर्स। यानी कि क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि जो नर्स है वो पेशेंट के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाती है। ऐसा क्यों करती है, ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील करेगी, अपनी जो प्रॉब्लम है, जो भी उसको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ भी पेशेंट जो है वो अच्छा या बुरा फील कर रहा है, वो नर्स को बिना किसी हिचकिचाहट के वो बता सके। तो ये क्या है, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नर्स पेशेंट के साथ बना रही है। तो इसको स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए या फिर एक नर्स होने के नाते उन्हें ये जो एटिकेट्स हैं या फिर कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना होता है। तो कुछ एक रूल्स हैं यहाँ पर, उनको सभी को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट रूल है इसमें, यू शुड बी अ कर्टियस टू ऑल, बी जेंटल एंड पोलाइट इन योर टॉक। यानी कि क्या है, नर्स को कर्टियस होना चाहिए, उसको जेंटल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। यानी कि जब भी वो किसी पेशेंट से बात करे तो वो एक नॉर्मल तरीके से, यानी कि जैसा पेशेंट पेशेंट को इजीली समझ में आ जाए, जैसा पेशेंट लैंग्वेज बोलता है उसी तरीके से नर्स को पेशेंट के साथ बात करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, यू शुड ग्रीट योर सीनियर को वर्कर योर क्लाइंट्स। यानी कि जो भी आपका जो नर्स है, नर्स को उसके सीनियर्स मिलते हैं या उसके को वर्कर मिलते हैं, उसको हमेशा क्या है, ग्रीट करके बुलाना। जैसे कि आपको सुबह आपके सीनियर्स मिलते हैं तो उन्हें गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है। तो जब भी आपको आपके सीनियर्स मिलते हैं, को वर्कर मिलते हैं, तो उनको हमेशा ग्रीट करके आपने बुलाना है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बोली गई हैं, विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, जब भी जिस टाइम पर भी आपको आपके सीनियर्स मिलते हैं या को वर्कर्स मिलते हैं, तो आपको उनको इसी तरह से टाइम के अकॉर्डिंग उनको ग्रीट करके के बुलाना है। थर्ड पॉइंट है, यू शुड एड्रेस द सीनियर विद अ प्रॉपर टाइटल, फॉर एग्जाम्पल सर, मैडम, सिस्टर एंड मिस्टर। यानी कि जो भी आपके सीनियर्स होते हैं उनको प्रॉपर टाइटल से बुलाना है, यानी कि सर, मैडम कह के या फिर सिस्टर या फिर मिस्टर बोल करके आपने बुलाना है, आपने नेम से नहीं बुलाना है अपने सीनियर्स को। फोर्थ है, स्टैंड अप व्हेन द पीपल ऑफ द हायर रैंक एंटर योर रूम। यानी कि फोर्थ पॉइंट क्या है, जब भी सीनियर आपके सामने आते हैं या फिर आप रूम में बैठे हैं और सीनियर आपके पास आते हैं, तो आपने खड़े हो जाना है। ये क्या है, एक तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम सीनियर्स को। फिफ्थ पॉइंट है, स्टैंड अप व्हेन द आंसरिंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम। यानी कि जब भी, जैसे कि अभी आप स्टडी कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, तो जब भी आपसे सीनियर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं या नॉर्मल भी टीचर आपसे कुछ पूछते हैं, तो आपने क्या है, खड़े होकर के उसका आंसर करना है। ऑन द डोर, ओपन द डोर फॉर द सीनियर एंड स्टैंड असाइड फॉर देम टू पास। जब भी सीनियर आपके साथ से गुजर रहे हों या फिर आपके साथ चल रहे हों, तो क्या है, डोर को ओपन करना है और साइड हो जाना है। यानी कि पहले आपने अपने सीनियर को जाने देना है, उसके बाद आपने जाना है। सेवन पॉइंट है, एक्सक्यूज योरसेल्फ व्हेन ओवरटेकिंग अ सीनियर पर्सन। अगर
आप जल्दी में हैं और आपने सीनियर से पहले जा रहे हैं, तो उनको एक्सक्यूज़ करके यानी कि एक्सक्यूज़ बोल करके आप उनके आगे से निकल सकते हैं। एट पॉइंट है इसमें, स्टैंड असाइड एंड गिव अवे टू अ सीनियर व्हेन यू क्रॉस देम ऑन द वे। एग्जाम्पल है इन द कॉरिडोर, ऑन द स्टेयर्स, जब भी आपके सीनियर या फिर सीनियर जो है आपके साथ से निकल रहे हैं या कॉरिडोर से जा रहे हैं या फिर स्टेयर से आपके साथ से जा रहे हैं, तो आपने साइड हो जाना है और पहले सीनियर्स को जाने देना है। नाइन्थ पॉइंट है इसमें, मेंटेन द साइलेंस वेन एवर एंड वेयर एवर नेसेसरी, यानी कि कहीं पर भी अगर आप हैं तो वहाँ पर साइलेंस बना करके रखना है, चाहे आप क्लासरूम में हों, लाइब्रेरी, स्टडी रूम या फिर डॉर्मेटरीज, यानी कहीं पर भी अगर आप हैं, क्लासरूम में हों या फिर कहीं लाइब्रेरी में बैठे हों या स्टडी रूम में बैठे हों, तो वहाँ पर आपने साइलेंस मेंटेन करके रखना है। टेंथ पॉइंट है, कीप योर ड्रेस नीट टिडी, सारीज अरेंज एंड हेयर पुट अप, यानी कि नर्सिस का जो ड्रेस कोड होता है उसे हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है, और अगर साड़ीज पहन रहे हैं तो उसको अच्छे से अरेंज करके रखना है, और हेयर को हमेशा ऊपर की तरफ टाई करके रखना है, जैसे कि जूड़ा बना करके रखती हैं नर्सिस, तो हमेशा अपने हेयर्स को पुट अप करना है। इलेवेंथ पॉइंट है, विल अ ड्यूटी नेवर यूज एनी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी दैट मे इंटरफेयर विथ वर्क, यानी कि अगर आप ड्यूटी पर हैं, नर्सेज ड्यूटी पर हैं, तो उन्हें अलाउ नहीं होता है किसी भी तरह की ज्वेलरी पहनना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप ज्वेलरी पहनते हैं, पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आती हैं, तो हो सकता है कि पेशेंट को किसी तरह से कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई एलर्जी हो सकती है, तो इसलिए ज्वेलरी पहनने के लिए मना किया जाता है। उसके बाद ट्वेल्थ पॉइंट है, ओबे सीनियर विदाउट आर्ग्यूइंग, यानी कि सीनियर, जब भी आपको सीनियर मिलते हैं या सीनियर से बात होती है, तो कभी भी सीनियर के साथ आर्ग्यू नहीं करना है, उनके साथ किसी भी तरह से बहस नहीं करनी है। उसके बाद आ जाती है थर्टीन्थ पॉइंट है, हेल्प द सीनियर टू कैरी अ हैवी लोड इफ़ यू फाइंड देम ऑन द वे। तो 13 पॉइंट में क्या है कि जब भी कोई सीनियर आपको मिलते हैं, उन्होंने कुछ हैवी कुछ उठाया हुआ है, कोई सामान उठाया हुआ है, और वो अकेले ही कैरी कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने उनकी हेल्प करनी है। 14 पॉइंट है, से थैंक यू व्हेन समवन इज डूइंग अ फेवर फॉर यू एंड आल्सो व्हेन समवन करेक्ट यू। तो जब भी कोई आपके लिए कोई काम करता है या फिर आपकी फेवर में कुछ करता है, तो आपको हमेशा उसको ग्रीट करना है, थैंक यू बोलना है, एंड उसे करेक्ट, अगर कोई आपको करेक्ट भी कर रहा है तो भी उसको थैंक यू बोलना है। उसके बाद 15 पॉइंट आता है, गेट प्रियर परमिशन फ्रॉम द सिस्टर इंचार्ज बिफोर यू टेक एनी आर्टिकल फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, यानी कि मान लीजिए कि आप क्लिनिकल ड्यूटीज पर जाते हैं, तो वहाँ से कोई भी इक्विपमेंट आप अगर आप उठा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इवन कि अगर आप वहाँ से पेन भी ले रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो पहले आपने क्या करना है, वहाँ से जो भी वहाँ पर इंचार्ज है वहाँ उनसे परमिशन लेनी है। तो बिना परमिशन के वहाँ से कुछ भी आपने यूज़ नहीं करना है, बिना बताए परमिशन लिए आपने वहाँ से नहीं उठाना है। 16 आता है, डू नॉट डिले द आंसर टू द क्वेश्चन, गिव द आंसर इमीडिएटली एंड अप्रोप्रिएटली, यानी कि जब भी कोई सिस्टर, कोई इंचार्ज या सीनियर या आपसे क्लास टीचर भी हैं, उनको जैसे भी वो क्वेश्चन पूछते हैं उनको आंसर करना है, और साथ के साथ आंसर करना है, उसी टाइम आंसर करना है, और सही आंसर करना चाहिए, इमीडिएट आंसर करना है आपने। 17th पॉइंट है, बी पंक्चुअल ऑलवेज, हमेशा क्या है, पंक्चुअल होना चाहिए। एंड 18th पॉइंट है, अवॉइड थंब सकिंग एंड नेल बाइटिंग, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या इवन आप खुद अकेले भी बैठे हो, तो नेल बाइटिंग नहीं करनी है, यानी कि आपने अपने नाखून नहीं खाने हैं, नाखून की जो मुंह से कटिंग करते हैं वो नहीं करना है, थंब सकिंग नहीं करना है। उसके बाद आता है 19th पॉइंट, इन एन असेंबली लेट द सीनियर टेक द सीट फर्स्ट, यानी कि जब असेंबली होती है, यानी कि आप किसी हॉल में बैठे हैं, मीटिंग होती है या फिर कोई सेमिनार्स होते हैं, तो सबसे पहले आपने सीनियर्स को सीट देनी है, उसके बाद आपने सीट लेनी है। 20th पॉइंट है इसमें, कीप आई कॉन्टेक्ट एंड सीट फेस टू फेस व्हेन लिसनिंग टू समवन, जब भी किसी को आप सुन रहे हैं, किसी के सामने बैठे हैं, तो उसका आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, यानी कि आप उनकी आंखों में देखकर बात करना चाहिए, जब भी आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो तो उनसे आई कॉन्टेक्ट करके बात करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 21, से एक्सक्यूज मी इवन इफ यू हर्ट अदर इंसिडेंटली, यानी कि आपने किसी को जानबूझ के नहीं किया है और किसी को हर्ट कर दिया है, तो आपने उसको सॉरी बोलना है, एक्सक्यूज मी बोलना है।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेवर लेट अदर सीक्रेट गो आउट ऑफ यू, यानी कि और इसमें क्या है, आपने किसी के सीक्रेट जो है रिवेल नहीं कर देने, यानी कि किसी नर्स ने आपको कुछ बताया है, सीक्रेट बात बताई है, तो ऐसा नहीं करना कि आपने वो बात जो है दूसरी नर्स को जा करके बता देना है। तो अगर वो सीक्रेट रखने वाली बात है तो उसको सीक्रेट ही रखना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ऑलवेज क्लोज द डोर आफ्टर गेटिंग इन टू अ रूम और वेन यू गेट आउट ऑफ द रूम इफ सो डिज़ायर्ड, यानी कि अगर कोई रूम है जिसको हमेशा बंद रखना है, या फिर आपके सीनियर्स के रूम है वहाँ पर क्या है, जब भी आप अंदर जाते हैं तो डोर को क्लोज करके जाना है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी डोर को क्लोज करके जाना है, क्योंकि उस डोर को बंद रखना है, तो आपने ये रूल फॉलो करने हैं। उसके बाद 24th आता है इसमें, नॉक एट द डोर एंड वेट फॉर द आंसर बिफोर यू एंटर इन टू अदर रूम, यानी कि जब भी आप रूम में एंटर कर रहे हैं, रूम एंटर करने से पहले डोर को हमेशा नॉक करना है, नॉक करके परमिशन लेकर के आपने रूम में एंटर करना है, जब तक कि आपको परमिशन नहीं मिल जाती है तब तक आपने रूम में एंटर नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है 25th, डू नॉट कवर द माउथ विल टॉकिंग टू अदर, कवर योर माउथ वेन यू कफिंग एंड स्नीजिंग, यानी कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो आपने अपना मुंह को यानी कि माउथ को कवर नहीं करना है, ठीक है। आजकल तो कोरोना चल रहा है इसलिए कवर करना पड़ रहा है, अदरवाइज क्या है, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो मुंह को कवर करके बात नहीं करना है, और जब भी आप कफ करते हैं स्नीज करते हैं तो हमेशा मुंह को कवर करना है, जब भी खांसी हो छींक आ रही हो तो मुंह को कवर करके आपने करना है। उसके बाद 26th पॉइंट आता है, एक्सक्यूज योर सेल्फ बिफोर यू इंटरफेयर विद अदर इंगेज्ड इन टॉकिंग और डूइंग सम वर्क, यानी कि जब भी मान लीजिए दो नर्सेज हैं वर्क कर रही हैं, उसमें आपको भी कुछ इन्वॉल्वमेंट देनी है, आपको भी इंगेज होना है उस वर्क में, तो आपने एक्सक्यूज बोल करके उसके अंदर एंटर करना है। मान लीजिए कि कोई दो नर्सेज बात कर रही हैं तो आपने भी उसमें जो है बात करना है या कुछ बताना है नर्सेज को उसके रिगार्डिंग, तो आपने एक्सक्यूज करके उनकी बात के बीच में आपने अपनी बात रखनी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इसमें, यू शुड नॉट गिव एंड रिसीव एनी गिफ्ट और द प्रेजेंट स्पेशल फ्रॉम द क्लाइंट एंड देयर रिलेटिव्स, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि आपने कभी भी किसी भी पेशेंट से जो है गिफ्ट नहीं लेना है, ठीक है। कई बार हॉस्पिटल में जब आप क्लिनिकल के लिए जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप ड्यूटीज करते हैं तो पेशेंट जो होता है उनके साथ बॉन्ड बन जाता है, बहुत अच्छे पेशेंट्स होते हैं कई बार, तो वो खुश होकर के नर्सेज को क्या है गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट में पैसे भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, वो अपनी इच्छा से देना चाहते हैं। तो नर्सेज का क्या है, ये एटिकेट्स है, उनके लिए रूल है कि वो कभी भी पेशेंट से किसी भी तरह का कोई गिफ्ट रिसीव नहीं करते हैं। तो ये कुछ 27 एटिकेट्स है, एटिकेट्स ऑफ नर्सेज, तो इन एटिकेट्स को आपने हमेशा ध्यान रखना है अपनी नर्सिंग फील्ड में, जब भी आप कहीं पर भी इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, या ये सारी चीज़ें क्या हैं बेसिक हैं, ये आपको पूरी लाइफ फॉलो करनी होती हैं। ये एटिकेट्स क्या हैं, आपके कॉलेज से स्टार्ट हो जाते हैं, जब फर्स्ट डे आप कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले आपको यही टॉपिक पढ़ाया जाता है, एटिकेट ऑफ नर्सेज। तो ये एटिकेट्स क्या हैं, आपको पूरे जो 4 ईयर की स्टडी करते हैं या 3 ईयर की स्टडी करते हैं, ये एटिकेट्स आपने फॉलो करने हैं। और इसके बाद अगर आप कहीं हॉस्पिटल में ड्यूटीज करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो इन एटिकेट्स को फॉलो करना होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।